वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सो आज रीजनिंग की हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी, जो कि हमारी मिसिंग नंबर के ऊपर आधारित रहने वाली है। आज हम लुप्त संख्याएं या फिर मिसिंग नंबर के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। मिसिंग नंबर जो है उसको हम एक सीरीज का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, लेकिन सीरीज के क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें आपको एक सीक्वेंस दी जाती है, सीक्वेंस दी जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और गैप, ये भी आपका एक मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। लेकिन जब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिया जाता है, एक सिंगल लाइन में दिया जाता है, तो उस चैप्टर को हम सीरीज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन आपको किसी एक मैट्रिसेस की फॉर्म में, किसी एक बॉक्स की फॉर्म में दिया जाता है, तो उस टॉपिक को हम जानते हैं मिसिंग नंबर। तो ये चीज़ आपको पेपर में जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, और जो भी हमारे पेड क्लासेस में बच्चे जुड़े हैं वो रेगुलर नोट्स जो हैं वो बनाते रहें, ताकि तैयारी में आपकी कोई कमी ना रह जाए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद भी क्लासेस जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको जो है वो पहले अगर बेस क्लियर हो गया तो फिर आपको बल्क में इसके क्वेश्चन पीडीएफ जो है वो आपको मिलेंगे, ई नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, एक मैट्रिसेस की फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और एक सीक्वेंस आपको बताई गई है सीरीज और पैरेलल की फॉर्म में, या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में आप मान सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया एक बॉक्स, ठीक है जी, यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है, आप इसको किसी वे में या तो हॉरिजॉन्टल में सॉल्व कीजिए या फिर वर्टिकल में सॉल्व कीजिए। मैंने लिखा यहाँ पर 2, 2 और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 5, मैंने लिखा यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखा मैंने 7 और यहाँ पर लिखा मैंने 12, यहाँ पर लिखा मैंने 3, यहाँ 1 और यहाँ पर लिखा मैंने 0। तो अगला यहाँ पर जो खाली डिब्बा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पर कोई ना कोई एक पैटर्न जो है वो आपको लगाना है। वो आपका पैटर्न प्लस का हो सकता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का, क्यूब का, कोई भी पैटर्न आप लगाएं, लेकिन आपका पैटर्न या तो लगना चाहिए रो की फॉर्म में या फिर लगना चाहिए कॉलम की फॉर्म में। या तो रो को रो से आप करना है या फिर कॉलम को कॉलम से, क्रिस क्रॉस आपने नहीं करना है। तो देखिए, कोई भी आप पैटर्न लगा सकते हैं। मैं पैटर्न जो है वो कैसे यहाँ पर मैंने फिल किया है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, 2 और 2 को ऐड किया, कितना हो गया, 2 और 2 कितने, 4। 4 में मैं जब 1 ऐड करूँगा तो कितना आंसर आ गया, 5। वैसे ही 4 और 7 कितने होते हैं, 11। 11 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 12। फिर वैसे ही 1 और 0 कितने, 1। 1 में 1 ऐड किया तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 2। तो इसी तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी आप पैटर्न जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको ध्यान में क्या रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि या तो आपका पैटर्न रो की फॉर्म में चलेगा या कॉलम की फॉर्म में, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो पैटर्न है वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली रो में आप +1 कर रहे हैं, दूसरी रो में +2 कर रहे हैं, तो तीसरी रो में +3 होगा, नहीं। ये जो हमारा मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है, उसमें जो पैटर्न है वो आपका सेम चलता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास नंबर क्या दिया गया है, 7, 2, 4, 5, ये हमारा कॉलम की फॉर्म में है। रो की फॉर्म में देखेंगे तो 7, 8, 2, ये हमारे पास जो है वो नंबर दिया गया है। तो देखिए, क्या पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, मैं प्लस का पैटर्न यहाँ पर लगाऊंगा तो 7 और 2 कितने हो जाते हैं, 9। 9 और 5 और 4 भी कितने, 9। 9 और 9 कितने, 18। तो सम मेरे पास कितना निकल के आ गया, इसका 18 निकल के आ गया। वैसे ही 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 और 1 12, 12 और 6 कितने, सम कितना आ गया, 18। तो इसका मतलब है कि जब मैं सम करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 18। तो वैसे ही इस वाली
जो कॉलम है इसका भी सम कितना आना चाहिए, 18 ही आना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 2 कितने 12, 12 में कितने ऐड किए जाएं कि सम हमारा 18 बने। तो 12 में कितने ऐड करेंगे, 12 में करेंगे 6 ऐड, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, साथ साथ में करते चलिए। 8, 24, 72, 216, देखने से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप एक पैटर्न लगाइए, पैटर्न एक कॉमन होना चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको हिंट मिलेगा। 8 तिया कितने 24, यानी कि गुणा 3 किया, 24 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है 72 आता है, 72 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है 216। यानी कि इन सभी संख्याओं को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कुलर शेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 को 3 से गुणा करूंगा 36, 36 को 3 से गुणा करूंगा 108, 108 को 3 से गुणा करूंगा 324। वैसे ही 14 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 42, 42 को 3 से गुणा किया 126। अब 126 को भी आपने क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो देखिए पैटर्न जो है वो आपका कॉमन चलना चाहिए, पैटर्न आपका कॉमन चलना चाहिए। सभी में मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 आप करेंगे। 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18, एक ऊपर जाएगा 12 तेरह 36 और एक आ जाएगा 37। तो 378 ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ। आपका जो मिसिंग नंबर का चैप्टर है उसमें मल्टीपल जो है वो आपके टाइप रहते हैं, मल्टीपल उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मल्टीप्लाई का ही यूज़ करना है, आप किसी में प्लस का लगा सकते हैं, किसी में माइनस में, जो भी क्वेश्चन में फिट होता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका ज़्यादातर क्या होता है, रिजल्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहली वाली में बड़ी वैल्यू क्या है, 14 है, दूसरी में 15 है, यानी कि मैं अगर मैं इसको कॉलम की वे में सॉल्व करूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं से 14 बनाना, ये 2 4 5 को मैं ऐड करता हूँ, देखिए कितना हो गया 2 और 4 कितने 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, तो 14 तो बना नहीं, इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ कि सबको ऐड किया प्लस 3 किया, अगले में पैटर्न लगना चाहिए 3 और ये कितने हो गए 6, 9 और 3 कितने 12, ठीक है 12 में 3 ऐड किए 15, हाँ जी ठीक है बन रहा है पैटर्न, तो बन रहा है। अगले में भी ट्राई करता हूँ मैं, तो 7 और 4 कितने 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में 3 ऐड किए तो कितना आना चाहिए, 13 में 3 ऐड किए तो 16 आना चाहिए। देखिए अब 16 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो हमारा काम नहीं करेगा, हमें कोई नया पैटर्न जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो नया पैटर्न हम कैसे लगाएंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, माइनस करके देख सकते हैं, कुछ भी आप करके देख सकते हैं। मैंने क्या किया, 5 को 2 से क्या किया, गुणा किया, ठीक है 5 को 2 से किया कितना आ गया 10, और मिडल वाली वैल्यू को ऐड कर दिया कितना आ गया 14, ठीक है जी रिजल्ट बन गया। ठीक है अगले को भी ऐसे करूंगा, 3 को 3 से गुणा किया, बीच वाली को छोड़ के कर रहा हूँ मैं गुणा, 3 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 9, 9 में 6 ऐड किए कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है जी बात तो बन गई। अगला भी ट्राई करता हूँ, 7 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 14, 14 और प्लस के मैंने क्या कर दिए 4 कर दिए, 14 और 4 कितने 18, ऑप्शन में है इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है जी नेक्स्ट है, आपको क्लियर होनी चाहिए ये सभी चीज़ें, जो भी आपके डाउट हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, देखिए क्या क्वेश्चन है, 134 फिर 34 फिर 100 रो या कॉलम की फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखने से ही कहीं ना कहीं से ये पता चल रहा है कि ये प्लस या माइनस का जो है वो यहाँ पर चीज़ जो है वो हमारी बन सकती है, प्लस या माइनस की फॉर्म में जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है जी
इस 134 में से 34 को कम किया तो आंसर कितना आ गया 100, 117 में से 86 को क्या किया माइनस किया, 7 में से 6 गए 1 और 11 में से 8 गए 3, हाँ जी 31 बन गया। बात बन रही है, यानी कि मैं इसको जो सॉल्व कर रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। 134 में 34 चले गए तो आंसर आ गया 100, वैसे ही 117 से 86 चले गए तो आंसर आ गया 31, तो वैसे ही मेरे को 87 से कितने कम करने हैं कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए 64। मैंने एक्स लिख लिया तो 87 में से आप 64 को कम कर दो तो आपके पास आएगा 23, ठीक है। तो 87 में से जब 23 कम करूंगा तब 64 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए, तो ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिफरेंट मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब देखिए बड़ी वैल्यू जो है वही ज़्यादातर क्या है आपका राइट आंसर रहता है। आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही फॉर्म में आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। पहले में पहली रो या पहले कॉलम में जो है वो आपके पास क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आप क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करें। मैंने क्या पैटर्न लगाया, 142 में से इस 113 को कम कर दिया, माइनस कर दिया, इस 142 में से 113 को कम कर दिया तो आंसर कितना आ गया 29। वैसे ही इनको कम करूँगा, 96 में से 69 को कम किया तो आंसर कितना आ गया 27, ठीक है जी। अब इसमें से हमें क्या कम करना है, 57 कम करना है, यानी कि एक्स में से मेरे को कितना कम करना है 57 कम करना है ताकि रिजल्ट कितना है 21। तो ये माइनस वाली चीज़ उस तरफ चली जाएगी, तो 21 प्लस कितने हो जाएंगे 57, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 1 8 5 और 2 7, यानी कि ऑप्शन डी 78 जो है वो यहाँ पर फिट होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 105 96 13 15 12 5 7 8, कुछ भी आप मल्टीप्लाई इनटू प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब कोई भी पैटर्न आप लगा के देखिए। देखिए यहां पर देखने से ही पता चल रहा है, क्वेश्चंस में ज्यादा सोचने की कई बार जरूरत नहीं होती है, देखने से ही आपको पता चल रहा है। आप इसमें कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, आपको क्या करना है क्वेश्चन को हिट करना है, कहीं ना कहीं से आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। तो मेरा माइंड स्ट्राइक कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब आप एक इसका बेसिक वाला पोर्शन जो है वो मेरे से कवर करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस खुद करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 12 को 8 से गुणा करूंगा, 12 8 कितने 96 बन गई बात, 15 को 7 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना 105। तो वैसे ही 13 को 5 से गुणा करूंगा, 13 गुणा 5 कितने होते हैं पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको इसके लिए यहाँ पर ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक क्या है, जब भी किसी रकम को हमने क्या करना है 5 से गुणा करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 गुणा 5, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जिस संख्या से गुणा करना है ना उसका आधा लिख देना है, तो कितना आ जाएगा 12 का आधा कितना होता है 6 और एक जीरो लगा दी तो ये इसका क्या बन गया 5 से गुणा करने के लिए बन गया। आप किसी भी चीज़ का लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 22 गुणा 5, तो 22 का आधा कितना होता है 11 और एक जीरो लगा दो ये इसका मल्टीपल आ गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन जब आपके पास ऐसी संख्या है जिसका आधा जो है वो हाफ में जाता है, पॉइंट में चला जाता है, जैसे कि 12 का आधा तो कितना आ गया 6, 22 का आधा कितना आ गया 11, लेकिन अगर मेरे पास आ गया 13 गुणा 5 तो मैं क्या करूँगा 13 का आधा लिखूंगा, 13 का आधा कितना होता है 6.5 होता है, ठीक है जी 6.5 होता है। और मैं क्या कर रहा था, जब मेरे पास वैल्यू पूरी आ रही थी तो मैं एक एक्स्ट्रा जीरो लगा रहा था, लेकिन अब वैल्यू पूरी नहीं आ रही तो मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा, पॉइंट को क्या कर दूंगा हटा दूंगा, या फिर आप जीरो भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी समझ है। जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, जीरो लगा दी तो जीरो से जीरो कट के क्या आ गया 65, या फिर डायरेक्ट आप पॉइंट हटा दो तो आंसर कितना आ गया 65। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जल्दी से सॉल्व करें, क्या राइट आंसर रहेगा। पेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से जो है वो विजयपथ एजुकेशन वेलकम करता है। इसमें जो है वो आपको
डिफरेंट कोर्सेज की जो है वो तैयारी आपको करवाई जा रही है। आप हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज, जो भी स्टूडेंट जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है उनका जो है वो आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 1 ईयर प्लान के लिए जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल रहा है। जो भी हमारे ऑफर्स रहते हैं उनके थ्रू आपको इसकी वैलिडिटी जो है वो कई बार शफल कर दी जाती है, तो आप इन चीज़ों का जो है वो अच्छे से उपयोग करें। ताकि आपकी प्रैक्टिस में जो है वो कहीं पर भी कोई कमी ना रह पाए। तो सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। तो देखिए, रो या कॉलम की फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 39 जो है वो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है 2, 5, 7 को कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके 39 आपको बनाना है। अब कैसे आप करेंगे, मैं इसको 7 को 5 से गुणा कर देता हूँ। मैंने क्या किया, 7 को 5 से गुणा कर दिया। मैं 39 के आसपास जाने की कोशिश करूँगा कहीं से भी। कितना आ गया, 35 आ गया। अब मेरे पास कितना बचा, 2। तो मैं क्या करता हूँ कि 2 का स्क्वेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। 2 का स्क्वेयर किया कितना आ गया, 4 ऐड किया तो कितना आ गया, 39। अब यही पैटर्न यहाँ पर लगना चाहिए। इनको गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6। और जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका मेरे को स्क्वेयर करना है, 4 का स्क्वेयर कितना होता है, 16। तो 16 और 6 जो है वो हमारे 17 तो कभी नहीं बन सकते। इसका मतलब ये पैटर्न तो यहाँ पर लगेगा नहीं, कोई और पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कोई और पैटर्न आप यहाँ पर देखिए, मैं क्या करूँगा, 7 और 2 को गुणा कर देता हूँ, ठीक है जी। कितना आ गया, 14। और ये जो मिडल वाला नंबर है इसका मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, 5 का स्क्वेयर कितना हो गया, 25। तो 25 और 14 कितने बन गए, 39, ठीक है जी, बात बन रही है। फिर मैं क्या करूँगा, 2 और 4 को गुणा कर दूँगा, ठीक है। 2 और 4 को मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया, 8। अब प्लस कितना करना, बीच वाली वैल्यू का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9। 8 और 9 कितने, 17, ठीक है जी, बन रही है बात, तो यहाँ पर बन रही है। वैसे अगले को करेंगे, 6 को क्या करूँगा मैं, 1 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा, 6। प्लस कितना करना है, इस मिडल वाली वैल्यू का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर कितना हो गया, 25। 25 और 6 कितने, 31। तो ऑप्शन में है इसलिए ऑप्शन बी 31 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रैक्टिस आपको साथ साथ में करनी है, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, हिट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 8, 6, 2, 96। इस डिब्बे में जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है इनको आप कोरिलेट कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू दी गई है 96, तो 96 आप कैसे बनाएंगे वो आप सोचिए। यहाँ पर 8 को 6 से अगर मैं प्लस करता हूँ तो इतना क्लोज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, 96 के आसपास तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं गुणा करता हूँ तो कहीं ना कहीं से क्लोज में जाने की ट्राई करूंगा। 8 × 6 कितने होते हैं, 48। 48 को मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो आंसर कितना आ रहा है, 96, ठीक है जी, बात तो बन रही है। 15 को 2 से किया, 15 × 2 = 30, और 30 को 2 से किया तो कितना आ गया, 60। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास x, x को गुणा करना है 5 से और फिर करना है 6 से, ताकि रिजल्ट कितना आए, 120 आए। 6 × 5 = 30, 30 को मैं किस से गुणा करूँ कि 120 आंसर आए। तो आप इक्वेशंस के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 30 इस तरफ गुणा का है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में 0 से 0, 3 से कट गया, कितना आ गया, 4। यानी कि यहाँ पर 4 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 4 को 5 से करूँगा तो 20, और 20 को 6 से करूँगा तब 120। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फास्ट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट अपना हाथ जो है वो आपको रखना है। 2, 4, 13 और 5। अब देखिए यहाँ पर इनमें जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 13 है। कहीं ना कहीं से रिजल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा, 13 और 18 मिलेगा, क्योंकि ये बाकियों से क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 2, 4, 5 जो है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही लाइन, इन द सेंस कि काफ़ी क्लोज क्लोज हैं, 2, 3, 4, 5 ही क्लोज क्लोज हैं, लेकिन 13 जो है
उसमें कहीं ना कहीं पे गैप है, तो आप प्लस करके लगाइए कोई पैटर्न। 5 और 2 7, 7 और 4 कितने 11, 13 तो नहीं बन रहा है, 6 4 10 3 13 18 फिर से नहीं बन रहा, काफ़ी दूर दूर अभी तो ये। कोई और प्लस माइनस का पैटर्न लगाइए, 5 को 2 से मैं गुणा करता हूँ कितना आ जाएगा, 10 10 और 4 कितने 14 नहीं बन रहा है, 6 3 18 नहीं बनेगा ये भी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूँ, 4 को 2 से गुणा किया कितना 8, और इस वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, 8 और 5 कितने 13, बात बन गई। 4 को 3 से किया 12, इसको गुणा किया और इसको क्या किया प्लस किया, 4 3 12, 12 और 6 कितने 18, ठीक है जी बात तो बन रही है। 9 और 4 को गुणा किया 36, 36 में 3 ऐड किए तो कितना आ गया 39, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। ठीक है जी, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, इसके बाद आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, जल्दी से सॉल्व करें, बिल्कुल छोटे छोटे सेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 6 9 18। अब यहाँ पर भी लास्ट वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए आप पैटर्न इसी वे में लगाएंगे, तो 3 और 6 कितने 9, 9 और 9 कितने 18, ठीक है जी, प्लस करने पे तो बात बन रही है, 5 और 4 कितने 9, 9 और 8 कितने 17, ठीक है जी, प्लस करने से बात बन गई, 9 और 4 कितने 13, 13 और 7 कितने हो गए हमारे पास 20, तो 20 ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मिसिंग नंबर के वो आपको समझ में आए हैं। इसके बाद बैक टू बैक आपको क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी, तो जो भी आपके साथी हैं डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अगर घर बैठे करना चाहते हैं तो विजयपथ एजुकेशन के साथ आप जुड़ जाएं, अपनी तैयारी को आप सक्सेस बनाएं। सक्सेस तभी होगी जब आप नौकरी जो है वो अपने हाथ में रखेंगे, आपको नौकरी जो है वो हासिल करनी है, क्योंकि ये जो हमारा कम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम हैं इनका मेन मोटिव क्या है, हमें नौकरी लेनी है। हमारा जो नॉलेज है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, कहीं ना कहीं पे वो नॉलेज काम आता है, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो आपका एक मेन फोकस होना चाहिए कि हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है। आप हमारे कंटेंट का यूज़ कीजिए, आपको ई बुक्स मिल रही हैं, आपको अगर हार्ड कॉपी की फॉर्म में अगर बुक्स चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए बुक्स ले सकते हैं, उनका ऑर्डर दे सकते हैं, आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, साथ में ऐप के ऊपर आपको इसके डिफरेंट टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो कोर्स में आपको ये लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी हमारा एक फिक्स प्राइस रहता है, मिनिमम जो है वो हमारा 999 जो है रुपीज़ में आपको ये दिया जाता है, कई बार अगर ऑफ़र रहता है तो आपको कूपन कोड की सहायता से इसको 50% डिस्काउंट में भी आपको दिया जाता है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो इसमें आपको डिफरेंट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके जो है वो ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को जो है वो सक्सेस बनाइए, सक्सेस तभी होगी जब आप नौकरी जो है वो अपने पास रखेंगे, और नौकरी तभी मिलेगी जब आप रात दिन जो है वो मेहनत करेंगे। सो नोट्स जो है वो आपको बनाने हैं, तभी जो है वो आप सक्सेस की सीढ़ी में जो है वो चढ़ना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो नोट्स के ऊपर आप फोकस करें, क्योंकि कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसी कंपटीशन की वजह से जो है वो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपर्पज़ की तैयारी करते हैं। मल्टीपर्पज़ यानी कि एक एग्ज़ाम की नहीं, डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी स्कोप जो है वो अब डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए ही होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम रहता है वो स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद बड़े सारे हमारे उसके प्रोसेस रहते हैं, तो आप जो है वो मल्टीपल एग्ज़ाम की जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुलंद कर रास्तों पर चले तू,
तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मुकाम तभी मिलेगा जब आप रास्ते के ऊपर चलेंगे, आपको मंजिल तभी मिलेगी जब आप हिम्मत करेंगे चलने की। अगर आप अकेले भी अगर चल रहे हैं तो धीरे धीरे उसके साथ भीड़ जो है वो जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, और वही एक अकेला बंदा जो है वो उस काफिले का निर्माण करता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, नोट्स आप बनाते रहें, यूट्यूब के ऊपर आप हमें सब्सक्राइब करें। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।